देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के एक निजी कार्यक्रम के तहत रुड़की पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रीतम सिंह का जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मदरसों में संस्कृत पढ़ाए जाने को लेकर कहा कि मदरसे ही क्यों, सभी शिक्षण संस्थानों में संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जब छात्र छात्राएं शिक्षा पाने के लिए विदेशों की शिक्षा को अपनाते हैं तो संस्कृत तो हमारी अपनी भाषा है और स्वेच्छा से हम संस्कृत पढ़ाए जाने का स्वागत करते हैं, लेकिन किसी भी छात्र छात्राओं के ऊपर किसी भी भाषा की शिक्षा को बेवजह नहीं थोपा जाना चाहिए। साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर कोई अपनी इच्छा से संस्कृत पढ़ना चाहता हो तो अच्छा है, लेकिन कोई जबरन पढ़ाना चाहता हो तो यह उचित नहीं है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। कोई भी शिक्षण संस्थान हो, वहाँ पर जो है अगर किसी भी भाषा का ज्ञान दिया जाता तो मैं समझता हूँ उचित है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम जब विदेश की भाषाओं को भी जो है सीखने का काम करते हैं तो संस्कृत तो हमारी अपनी भाषा है, तो अगर स्वेच्छा से कोई संस्कृत भी पढ़ना चाहता तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। कि जबरदस्ती तो जो शिक्षा के क्षेत्र में कोई बात हो नहीं सकती। कोई बच्चा अगर स्वेच्छा से जो है पढ़ना चाहता है तो मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कोई क्या नाम पढ़ाने की बात करे तो उचित नहीं है। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।